नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कर। रूस यूक्रेन संकट के समाधान में फिर से अड़चन आ गई है। खबरों के अनुसार अब यूक्रेन ने बेलारूस में बातचीत से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि जहां से हमारे देश पर हमले हुए हैं वहां हम बातचीत नहीं कर सकते। इससे पहले क्रेमलिन बेलारूस में यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया था। रूस के रक्षा विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी और मंत्री समेत राष्ट्रपति प्रशासन के कई अधिकारी वार्ता के लिए बेलारूस के होमेल शहर पहुंच चुके हैं। बेलारूस पहुंचे रूसी दल ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव में घुस गई है, जहां पर युद्ध जारी है। इससे पहले कीव में रूसी हमले को नाकाम करने के लिए यूक्रेनी सरकार के दावे के बाद रूस ने सेना को राजधानी पर चौतरफा हमला करने का कथित आदेश दिया है। आइए जानते हैं आज की युद्ध से जुड़ी अहम जानकारियां। रूसी सेना ने रविवार 27 फरवरी चौथे दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर आर्टिलरी और क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव में घुस चुकी है, जबकि दक्षिणी शहर खुकोवका पर कब्जा कर लिया है। कीव में हवाई हमलों के सायरन रविवार को लगातार बजे। रूसी सेना ने यूक्रेन से यूरोप जाने वाली गैस की एक पाइपलाइन को उड़ा दिया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के कई तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव यूक्रेन के हाथों में ही है। हवाई हमलों की आशंका के मद्देनजर राजधानी कीव में कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है। कर्फ्यू तोड़ने वाले हर व्यक्ति पर दुश्मन की तरह कार्रवाई करने के निर्देश सेना को दिए गए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति करने का फैसला किया है, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को पहले ही 35 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को तोपखाने और क्रूज मिसाइलों से घेर रखा है। खबरों के अनुसार उनके सैनिक यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव में घुस गए हैं। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ओलेग सिनेगुबोव ने कहा कि यूक्रेनी सेना दुश्मनों को खत्म कर रही है। कीव से 30 किलोमीटर दूर वास्किलिव में ऑयल टर्मिनल में धमाके सुनाई दिए हैं। कीव प्रशासन ने बताया कि हमले की वजह से ऑयल टर्मिनल में आग लग गई है, वहां जहरीला धुआं निकल रहा है। जर्मनी और उसके पश्चिमी सहयोगी देश रूस को स्विफ्ट वैश्विक भुगतान प्रणाली से बाहर करने पर सहमत हो गए हैं। जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को यूक्रेन पर रूस और आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंध की तीसरी किश्त का ऐलान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपीय आयोग के साथ सहमत प्रतिबंधों में रूसी करेंसी रूबल का समर्थन करने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक की क्षमता को सीमित करना भी शामिल रहा। प्रवक्ता ने कहा कि नया प्रतिबंध धनी रूसियों और उनके परिवारों के लिए गोल्डन पासपोर्ट को भी समाप्त कर देगा और रूस और अन्य जगहों पर व्यक्तियों और संस्थानों को लक्षित करेगा जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का समर्थन करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिए भारत द्वारा यूएनएसएससी में वोटिंग से परहेज करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक समर्थन की मांग की है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियाशको ने कहा कि रूस के साथ हुए संघर्ष में अब तक 3 बच्चों सहित 198 लोग मारे गए हैं, जबकि 1115 घायल हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी ने कहा कि यूक्रेन पर मॉस्को के हमले में अब तक 3500 रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ओलेक्सी ने कहा कि हम कीव के आसपास दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को शुक्रवार को अमेरिकी भंडार से यूक्रेन को अतिरिक्त 350 मिलियन मूल्य के हथियार जारी करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन पर हमले के दूसरे दिन रूसी सेनाएं राजधानी कीव में घुस गई हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और लोगों से जंग में उतरने की अपील की है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देश के लोगों से हथियार उठाने का आग्रह किया था। जेलेंस्की ने कहा था कि जो भी हथियार उठाना चाहता है उसे हथियार दिया जाएगा। अब रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से जंग में उतरने को कहा है। यूक्रेन के नागरिकों ने कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें रूसी टैंक ओब्लोन शहर में नजर आ रहे हैं। ओब्लोन कीव के पास का इलाका है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि दुश्मन संसद से 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया को रूस के खिलाफ जंग की ट्रेनिंग देने का जरिया बनाया है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लोगों से पेट्रोल बम बनाकर दुश्मन पर हमला करने को कहा है। मोलोटोव कॉकटेल से करो हमला, रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है। ओब्लोन में हम नागरिकों से साजो सामान रूसी सैन्य मूवमेंट की आवाजाही के बारे में सूचित करने की अपील करते हैं। मोलोटोव कॉकटेल बनाओ और हमलावरों को बेकार कर दो। शांतिपूर्ण निवासियों, सावधान रहो, घर को मत छोड़ना। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, हम देश की रक्षा के लिए किसी को भी हथियार देंगे। हमारे शहरों के चौकों में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए तैयार रहें। हम किसी को भी हथियार देंगे जो देश की रक्षा करना चाहता है। मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम है जिन्हें बेहद आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए एक कांच की बोतल लेनी होती है जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ या पेट्रोल या एल्कोहल डालकर
उसके मुंह पर कपड़ा लगाया जाता है और फिर इसमें आग लगाकर लक्ष्य पर फेंक दिया जाता है। सोवियत नेता व्याचेस्लाव मोलोटोव के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। मोलोटोव 1939 से 1949 और 1953 से 1956 तक सोवियत संघ के विदेश मंत्री रहे थे। अब बात इंसानियत के सेवादारों की। दीरा सच्चा सौदा के सेवादार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी रह रहे हैं लगातार इंसानियत की सेवा में जुटे हैं। इसी क्रम में न्यूजीलैंड की डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ने 150 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए वस्त्र दान किए। 50 सेवादारों की टीम ने इसे अंजाम दिया और न्यूजीलैंड की सॉल्वेशन आर्मी नाम की संस्था को वस्त्र डोनेट किए। अब बात आज की सुर्खियों की। क्लॉथ बैंक के जिम्मेवार भाई गोल्डी इंसान ने बताया कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय सासंगत द्वारा क्लॉथ बैंक उन्हीं सेवा कार्यों में से एक है। सासंगत अपने घरों में रखे उन कपड़ों को इस बैंक में जमा करवाती है जो बिल्कुल नए जैसे हों या उन्हें बहुत कम पहना गया हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 198 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही चौथी उड़ान रविवार को भारत के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि चोरी करके ले जाई गई 200 से अधिक बहुमूल्य प्रतिमाओं और धरोहरों को पिछले 7 सालों में विभिन्न देशों से वापस लाया गया है और यह सफलता भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का एक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और रविवार सुबह उससे यूक्रेन संकट तथा क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर कई ट्वीट किए गए। विधानसभा चुनावों के 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक 34% से अधिक मतदान लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार को मतदान हो रहा था और करीबन 1 बजे तक औसतन 35% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी। मैक्सिको में नडाल ने नॉरिस को हराकर करियर का 91वां खिताब जीता। राफेल नडाल ने इस सप्ताह के शुरू में कहा था कि उन्हें अपने करियर के आंकड़ों की जानकारी नहीं है, अब वह इन आंकड़ों पर जरूर गौर करना चाहेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद से लगातार बढ़ रही रिलायंस रिटेल के नेटवर्क में और तेजी से विस्तार हो सकता है। भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग जैसे कई कदम उठाने पर विचार कर रहा है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। नमस्कार।